यारे दोस्तों, योगी वीरेंद्र देवी का सत्नमन। मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरे बचपन में ही, जब मैं बिल्कुल गरीब परिवार में पैदा हुआ, माता पिता अनपढ़ गंवार थे, पशु प्रवृत्ति थी, ज्ञान का कोई किरण ही नहीं था, घनघोर घटा था ज्ञानता का। उस परिवार में जन्म लिया, लेकिन मेरा सौभाग्य था कि एक महान पुरुष जिनका नाम राम था, वो मेरे जीवन में मिल गए। जैसे कबीरदास को गुरु रामदास मिल गए थे, और बहुत महान पुरुषों को उनके गुरु मिल गए थे, वो परम ज्ञानी पुरुषोत्तम राम मुझे मिल गए, और उन्होंने मुझे शिक्षा के प्रति कटिबद्ध कराया, मुझको प्रेरणा दिया कि अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान की रोशनी में पलोगे तो जीवन में लोगों का कल्याण कर पाओगे, अपने लिए जीना छोड़ के दूसरों के लिए जीवन जीने की कला सीखोगे। और मैंने कमर कस के अपने बुद्धि का सहारा लिया, मस्तिष्क का सहारा लिया, और जो भी कार्य दिया गया शत प्रतिशत आत्मविश्वास के साथ, पूजा की भावना के साथ अपने जीवन को समर्पित कर दिया। जब मैं प्रश्न पत्र के उत्तर लिखते थे तो किताब की किताब अपने उत्तर पुस्तिका में लिख दिया करता था, और जो अज्ञानी शिक्षक थे वो हमें नकल मारने के लिए बदनाम करते थे। लेकिन बात ऐसी नहीं थी, क्योंकि कर्म ही पूजा है। किताब के किताब, किताब के किताब, समझे या ना समझे पूरी याद कर लेते थे। इस तरह से मेरा जीवन का शुरुआत हुआ ज्ञान के रास्ते। बहुत समय में समझता नहीं था मैं क्या पढ़ रहा हूँ। आज जब मैं 100 के करीब हो रहा हूँ तो बातें अभी मुझे समझ में आ रही है। इसीलिए मैं अपने आने वाली पीढ़ी, भारत के बेटी बेटों, बहने भाइयों से कहना चाहता हूँ, हर व्यक्ति समान होता है। ये प्रकृति ने सबों को वही बुद्धि, वही मस्तिष्क, वही हाथ, वही पांव, सब कुछ वही दिया है, लेकिन उसमें जो अद्भुत गुण होता है, साहस, धैर्य, पराक्रमी सोच, उसकी सोच, समझदारी, कटिबद्ध प्रयत्न करने की क्षमता, भागीरथ प्रयत्न करने का जोश, हजारों बार असफल होने के बाद भी करोड़ों बार सफल होने की जो लगन उसमें होती है, वही व्यक्ति महान बनता है। मैं उन पद चिन्हों पर चला, अनेक बार असफल हुआ क्योंकि ज्ञान नहीं था, गुरु भी नहीं थे, लेकिन हर असफलता कुछ हमें सिखा के गई। और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इतना दयावान हो गया हूँ, करुणा में बन गया हूँ, कि आत्मसर होते से सारी आत्माएं मेरी चेतना की तरह, सारा ब्रह्मांड ही हमारा परिवार है वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य खुशहाल हो। और जब मैं देखता हूँ जिस तरह हमारे गुरु बुद्ध ने देखा था, ये धरती पर जीना एक अग्नि परीक्षा जैसी है, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, यहाँ मूर्खता, स्वार्थबद्धता, क्रोध मनुष्य को इतना अज्ञानी बना दिया है कि सबको जला देना चाहता है। इसी लोभ क्रोध मोह का परिणाम होता है भ्रष्टाचार, और तरह तरह के त्रुटियां मनुष्य में आ जाती है। इसलिए मैं युवा पीढ़ी को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सचमुच एक महान व्यक्ति बनना चाहते हैं तो अपने मस्तिष्क में सुविचार को पूर्ण रूप से स्थापित करें, उसको उपयुक्त जगह दें, और वो है सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, सहयोग, करुणा, दया, सहिष्णुता, ये सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी। और उसके लिए आवश्यक है शरीर को सबल करें, मस्तिष्क को अनुशासित करें, और जब आपका शरीर और मन मस्तिष्क जुड़ जाता है तो दुनिया की कोई भी ऐसी संपदा नहीं, कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं, कोई भी ऐसी उपाधि नहीं जिससे बहुत आगे जा सकते हैं और आप उसको आप पा सकते हैं। लेकिन कभी
कभी भी कोई काम नहीं करें जो बदले की भावना से हो। आप तेजी चले जाएं, लेने की बात नहीं करना। हमारे गुरु बुद्ध ने कहा, आई वॉन्ट नथिंग, चाहिए दिल दिया है जंगली। इसे 7 अरब से भी ज्यादा लोग, हम जितने भी आवी हो, जितने भी हमारी ज्ञान की परिधि संकुचित हो, सब समर्पित है मानव कल्याण के लिए, पशु पक्षी जीव जंतुओं की रक्षा के लिए। और इसके लिए हमें आवश्यक है हमारे विचारों से मिलते जुलते महान लोगों को, जो अपनी आत्मा की तरह हर जीव जंतु को देखें, उसका शिकार न करें, पशुओं की हत्या नहीं करें, जीव जंतुओं को जितना हो सके सहयोग करें। आप भूखे रहें तो रहें, लेकिन दूसरे जीव जंतुओं को भी जरूर खाना दें। मनुष्य की जो शक्ति है उसका मस्तिष्क, वैज्ञानिकों ने अद्भुत आविष्कार किए, हमारे जीवन